स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक लव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा मतलब टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपको पता है कि क्लास ट्वेल्थ में जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, आप भी आई थिंक क्लास ट्वेल्थ के हैं सभी जो देख रहे हैं वीडियो को, और आप क्लास ट्वेल्थ में आए हो और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते होंगे। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है आर्ट्स में, एक ऐसा आप लैंग्वेज कहो इसे सब्जेक्ट की जगह, यानी इस लैंग्वेज को हम, इसके महत्व को हम नहीं समझते हैं, हम इसको वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको वैल्यू दें और कैसे मतलब इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आए, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप कक्षा 12 में यानी क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो? यस। तो सभी का जवाब यही होगा कि यस हम चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना। तो आप क्या करें, एक ऐसा सब्जेक्ट मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम हमेशा से इग्नोर करते हैं। हिंदी जो है इसको हम हमेशा से क्या करते हैं, इसको हम इग्नोर करते रहते हैं। तो ये जो इग्नोर वाली बातें हैं, ये चीजें आपके सामने नहीं होनी चाहिए, भूल कर भी आप ये गलतियां मत करना। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा मेरे इस एग्जांपल से। आपके पास इंग्लिश भी होगी, आपके पास हिंदी होगी, और हो सकता है कुछ बच्चों के पास इंग्लिश की जगह संस्कृत हो, ठीक है, या कुछ बच्चों के पास पंजाबी हो, कुछ बच्चों के पास उर्दू हो, ऐसे अलग अलग मतलब हो सकते हैं। पर मोस्टली जो हम देखते हैं, तो जहां तक मैं मानता हूं कि 70-80-90% बच्चों के पास ये दो लैंग्वेज होगी, इंग्लिश और हिंदी। अब इंग्लिश और हिंदी में आपको एक चीज समझनी है। बच्चों देखिए इंग्लिश में क्या होता है, मैंने देखा है, आपको पता होगा कि जो इंग्लिश का रिजल्ट आता है वो बहुत बेकार आता है, यानी कि बहुत कम बच्चे हैं जो 90+ लेकर आ पाते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं पूरे साल, फिर भी 90 नंबर तो मैंने बहुत बड़ी बात की है, बहुत सारे बच्चों को 80 नंबर ला पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल में 99 ला रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल में 99 ला रहे हैं और इंग्लिश में उनके 33 नंबर है। आप सोचिए कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 99 नंबर लाना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है, और सेम उसी बच्चे के एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसके 33 नंबर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या है यहाँ पे, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यस, आप कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश आप मेहनत कीजिए, इंग्लिश में बहुत मेहनत करो, ठीक है, लेकिन दूसरी जो लैंग्वेज आपकी परसेंटेज को बढ़ा सकती है, परसेंटेज को इंक्रीज कर सकती है, वो हमारी हिंदी है, और हम हिंदी को ही इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती बच्चे करते हैं, ये आप मत करना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आप क्या करते हैं, बच्चे पोल साइंस को पढ़ते हैं, इंग्लिश को खूब पढ़ते हैं, हिस्ट्री को खूब पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ज्योग्राफी पे भी बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी पे, और इस तरीके से मतलब इन सब्जेक्टों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर किसी बच्चे के पास इकोनॉमिक्स वगैरह है तो वो उस पर भी बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं, इन सब्जेक्टों को ध्यान दे रहे हैं बहुत ज्यादा, बट एक ऐसा सब्जेक्ट हिंदी जिसमें काफी कम मेहनत में काफी अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं, उस सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे। यानी कि हिंदी को सब लास्ट में पढ़ते हैं, लास्ट टाइम पे हमारे पास इतनी डिमांड आती है पेपर के टाइम पे, हिंदी बना दो, और हिंदी को कोई पढ़ाने वाला नहीं है। आप यूट्यूब पे चेक कर लो, पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से अगर कोई पढ़ाए तो आपको कम मिलेंगे, ठीक है, पढ़ाने वाले काफी है बट अच्छा पढ़ाने वाले काफी कम मिलेंगे। तो ये दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में आप कम मेहनत में 90+ ला सकते हो, और इंग्लिश में आप बहुत कठोर मेहनत करके भी 80+ नंबर लाने में आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा होता है मोस्टली। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बच्चा बोले मेरे 90 आए हैं, तो बहुत हो गए 90 भी आते हैं, बहुत हो गए 95 भी आते हैं, पर हम सभी की तुलना नहीं कर रहे। हम यहाँ पे अगर हम 70% बच्चों की बात करें तो 80 नंबर ला पाना उनके लिए इम्पॉसिबल सा है। हमने रिजल्ट देखा है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट देखा है, उसको देखकर हम बता रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, इसीलिए वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है ताकि आपको ये समझाया जाए। तो आपको क्या करना है, आज ही हिंदी की अपनी बुक उठाइए, हिंदी को पढ़िए, और हमने स्पेशल क्लास 12th का हिंदी का कोर्स भी स्टार्ट कर रखा है,
आप हमारी हिंदी की वीडियो को देख सकते हैं। मोस्टली हमारी बहुत सारी वीडियो आ चुकी है और बहुत सारा जो रह रहा है कंटेंट वो कराएंगे, कंप्लीट हिंदी आपको कराएंगे, हर एक चीज, सारे चैप्टर, सारे पोयम, जो भी आपकी कविता होगी, काव्य खंड होगा या व्याख्या वगैरह जो भी है उसमें, स्टोरी जो आपकी बुक में है, सब कुछ आपको कराया जाएगा। कंप्लीट जो हिंदी का सिलेबस है उन सब चीजों को कराया जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, हिंदी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए हिंदी को लेकर, आपको कम से कम भी 90 प्लस का स्कोर करना ही है आपको हिंदी में हर हालत में। तो आज से ही लग जाओ, वीडियो को देखो, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ो और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है। बस यही कहना चाह रहा था मैं आपसे कि हिंदी के महत्व को समझो, उसे इग्नोर मत करो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम मेहनत में भी ज्यादा मार्क्स दे सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।